नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर। तो यार हमने चेकआउट कर लिया अपने होटल से और अभी हम रास्ते में और हम एक और जगह घूमने जा रहे हैं। कौन सी जगह वो घूमने की? मनीकरण। तो मनीकरण घूमने जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम रुके हुए हैं क्योंकि हम एक टायर, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, चार टायर होते हैं गाड़ी में, आप सबको पता है, हम उसमें से तीन टायर हमने चेंज करवा लिए, बचा एक टायर। तो वो जो एक टायर जो बचा है उसकी वजह से ही रुके हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि टायर चेंज होंगे गाड़ी के। कोई बंदा लेके आ रहा है, तो कोई बंदा लेके आ रहा है टायर को, एक टायर को, मतलब एक टायर रहता है तो वो टायर लगेगा गाड़ी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया हम घूमने जा रहे हैं, तो पहले हम वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम सीधा घर जाएंगे। और वैसे भी हम चार होटलों में रुके, हम चार दिन हमने स्टे किया यहाँ पे और हम चार होटलों में रुके, और मैंने आपको दिखाया काफ़ी सारी स्नो दिखाई, काफ़ी मेरे हिसाब से तो आपको काफ़ी मज़ा आया। पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है, आप लोग सब्सक्राइब करो मुझे, जब भी तो मेरे में अंदर जागेगा जोश कि आप लोगों को मैं डेली न्यू वीडियोस दिखा पाऊँ। मैं कहाँ हूँ, और अभी तो हम मनाली आए हैं, अभी हम पता नहीं कहाँ जाएंगे यार। आप लोग सपोर्ट करो मुझे, सिर्फ लाइक सेट है। कौन सा रोड है का? ये कुल्लू मनाली रोड। तो फिलहाल जान दो, तो फिलहाल हम कुल्लू मनीकरण के रोड पे हैं और बाकी मज़ा आएगा यार, जाते जाते भी घूमेंगे हम, इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी लाइफ में। जब तक बड़ों का हाथ होता है ना सर पे मजे करने के लिए यार, पूरी लाइफ रहती है, पर जब खुद पे आती है ना बात, जब होती है सारी दिक्कतें वहाँ शुरू। तो अभी तो हमारा इंजॉय करने का टाइम है, तो हम इंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। इस टाइम मैं कार चला रहा हूँ, एक मेरा भाई कार चला रहा है, अभी मैं उससे मिलाते हैं। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है और ये पीछे वाली गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक बार पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस ठीक ठाक चल रहा है अभी तक, जब तक सेफ है, जब तक अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो बाकी से पूछे कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अरे एक हाँ थम्स अप। तो भाई सही में सही चल रहा है, जब इतने थम्स अप आ गए ना आते। तो हमें वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी हम देखते हैं कितनी देर और वेट करना पड़ेगा, पर सही है अब हम टायर वायर लगवा लेंगे, गाड़ी अपनी एकदम चकाचक चलेगी। हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है और इस होटल में चाचू का एक काम था, क्लाइंट से रिलेटेड, उनको रूम चाहिए था ऊपर, तो चाचू यहाँ पे रुक के बात कर रहे थे होटल के लिए उनके। तो चाचू का काम भी हो गया और बाकी बड़े हैं, उनको चाय पीने का मन था तो वो चाय भी पी रहे हैं अंदर, बाकी हम थोड़ा टहल रहे हैं ऐसे ही बाहर और बोल रहे कि अंदर बैठ जाओ थोड़ी देर, तो चलो अंदर बैठ जाएं। डिसीजन अच्छा था, चाय काफ़ी अच्छी थी और नेपाली सॉन्ग चल रहे हैं अंदर, और बाकी अब चलो गाड़ी के पास चलते। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हवा चल रही है ऊपर आते आते, मनीकरण पहुँच गए हम। तो सबसे पहले हम जाएंगे गुरुद्वारा, इसलिए मैंने कैब भी पहन ली क्योंकि वो ढक कर जाते हैं, मैं देखा है मूवियों में भी, नॉर्मली भी देखता हूँ, तो ज़्यादा पता नहीं मुझे, तो मैंने कैब पहन लिया। अब हम गुरुद्वारा चलते हैं और चाचू भी आगे गाड़ी पार्क करके। फिलहाल और जो आपने वहाँ से गर्म पानी आ रहा है और हम गुरुद्वारा के अंदर हैं फिलहाल, मतलब मेन गेट के उसमें नहीं है, मतलब अंदर आ चुके हैं कहीं ना कहीं, और बाकी अभी हम यहाँ पे नहाएंगे आज गर्म पानी में, मज़ा आएगा। मार्केट में आ गए गुरुद्वारा से निकलते के साथ, मतलब साथ में ही है, बार बार नहीं है, साथ में ही मार्केट है। तो अभी फिलहाल मार्केट में और खाना हमने खा लिया, जो मैंने आपको दिखाया काफ़ी टेस्टी था गुरुद्वारा का, होता ही हमेशा से बहुत बढ़िया ही खाना है। और नहाने का प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया क्योंकि हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं अभी, और घर निकलना है हमें, तो घर का भी 13-14 घंटे लग जाते पहुँचने में। तो फिलहाल आज नहाना कैंसिल, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर नहा लेंगे, पर चलो अभी मैं थोड़ा देख लेता हूँ कुछ पसंद कर लेते हैं, घर वाले तो ले ही रहे हैं कुछ ना कुछ, हम भी पसंद करके कुछ मांग लेंगे फिर घर चलते हैं।
मंदिर है और जो फर्श है ना यहाँ पे जो ये है बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब कितना उबलता पानी है। मैं आपको जो ये दिखाया ये देखो आप, तो ये उसकी वजह से ये फर्श तक इतना गर्म है। और बाकी तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मुझे काफ़ी अच्छे, मतलब आप कभी भी भगवान जी के पास आते हो ना तो एक अच्छी सी गुड वाइब अंदर ही क्रिएट होती है, पता नहीं कैसे होती है मुझे नहीं मालूम, बट बहुत दिल से जाओगे ना तो पक्का होएगी यार। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं इस पानी में, बहुत ही हॉट वाटर है और बहुत ही नेचुरल और स्पिरिचुअल कुदरती पानी है ये, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत रिलैक्स लग रहा है बहुत ज़्यादा। मंदिर में घूम लिए, गुरुद्वारा में हो गए, मेन ये मंदिर के लिए फेमस है, मंदिर के जैसे शिव जी के, और गुरुद्वारा से लोग जानते हैं भाई जगह को ज़्यादातर। और अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अभी हम बाहर उठ जाएंगे सीधा यहाँ से। अभी मुझे गाड़ी मिल गई थी तो मैं कार चला रहा था, और अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, फुल करवा रहे हैं टैंक अपना। किलोमीटर हो चुके हैं हमें चलते हैं, और फिर सबने सोचा कि भूख तो मेरे को लग रही है, और आधों को लग रही है आधों को नहीं लग रही भूख, इस वजह से सिर्फ हम अभी चाय के लिए रुके हैं। तो ये छोटा सा ढाबा चिप्पस का, चिप्पस चिप्पस, आई वांट चिप्पस, मेरे लिए भी चिप्पस, तो चिप्स नहीं खानी चिप्पस। हमने चाय पी ली और मैं पीछे बैठ गया, अब चाचू गाड़ी चलाएंगे और अब चलो। ओह माय गॉड, मतलब मैं गाड़ी चला रहा था। तो चलो चले आगे। किसी को कुछ अच्छा कपड़ा है कि नहीं चल रहा? मैं घर पे आया उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, रास्ते में भी थक गया था, क्योंकि पता नहीं मेरी तबीयत एकदम से ख़राब होगी, खाने की वजह से हुई, किस वजह से हुई मुझे नहीं पता, मेरे को लूज मोशन भी है, उल्टी भी हुई, तो इस वजह से मैं और वीडियो नहीं बना पाया, और मैं वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाया सिर्फ इस वजह से। तो बाकी सब सही, अब मज़े में हूँ, अभी और व्लॉग्स बनाने हैं, डेली बनाने हैं, तो अभी उसकी तैयारी करनी है। और चलो आप इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिखाओ अपना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।